हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैसे चीन अब कोरोना वायरस का फायदा उठाकर दुनिया भर की कंपनियों में निवेश बढ़ाने में जुटा है। हाल ही में चीन ने ना सिर्फ यूरोप के कई देशों की कंपनियों में निवेश करने की कोशिश की, बल्कि चीन के सरकारी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत के HDFC बैंक के भी 1% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। लेकिन अब चीन के ये आर्थिक गुंडागर्दी करने के मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चीन के इस आर्थिक आक्रमण को रोकने के लिए अब भारत ने भी कमर कस ली है। दरअसल भारत के सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने ना सिर्फ भारत के शेयर बाजार में सभी चीनी निवेश का ब्यौरा मांगा है, बल्कि भविष्य में चीन द्वारा किए जाने वाले सभी लेन देन की गंभीरता से जांच करने की बात भी कही है। यानी कुल मिलाकर अब चीन पर नजर रखी जाएगी। सेबी ने यह कदम तब उठाया है जब हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि चीन के सरकारी बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी PBC ने भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक HDFC में 1% की हिस्सेदारी खरीद ली है। बता दें कि पीबीसी ने HDFC के 1,74,92,000 शेयर्स खरीदे हैं। चीन ने ऐसा कदम तब उठाया है जब पिछले महीने ही HDFC के शेयर्स में 25% की कमी देखने को मिली थी। यानी चीन का प्लान है कि कैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस का भरपूर आर्थिक फायदा उठा लिया जाए। चीन के इस चाल का अब सभी पश्चिमी देशों को पता लग चुका है, तभी तो यूरोप के कई देशों जैसे जर्मनी, स्पेन और इटली ने अपने FDI नियमों में बड़े बदलाव किए हैं ताकि उनके देश की कमजोर कंपनियां चीन की मुट्ठी में ना चली जाएं। इसका एक उदाहरण हमें तब देखने को मिला जब बीते सोमवार को इटली की सरकार ने नियमों में बदलाव कर किसी विदेशी कंपनी द्वारा बैंक, ट्रांसपोर्ट, बीमा, ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की कंपनियों के टेक ओवर पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ इसी तरह के नियम स्पेन ने बनाए हैं। स्पेन के नियमों के मुताबिक अगर किसी देश को स्पेन की कंपनी में 10% से ज़्यादा निवेश करना है तो उसे पहले स्पेन की सरकार से परमिशन लेनी होगी। इसी तरह के नियम जर्मनी ने भी बनाए हैं, जिसके बाद किसी विदेशी कंपनी द्वारा जर्मनी की कंपनी का टेक ओवर करना मुश्किल हो जाएगा। चीन के इस एजेंडे से यह स्पष्ट होता है कि कोरोना वायरस के कारण चीन का प्रॉफिट कमाने का प्लान सिर्फ मास्क या मेडिकल सप्लाई बेचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह इसके माध्यम से दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता है। फिर चाहे वह विदेशी कंपनियों पर कब्जा करके हो या फिर वहावे जैसी कंपनियों के पक्ष में जमीन तैयार करने के माध्यम से हो। भारत की सेबी ने समय रहते चीन के निवेशों की गहरी जाँच करने की बात से यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत चीन की सभी चालाकियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन पहले ही भारत को नकली PPE किट्स और टेस्टिंग किट्स बेचकर चूना लगा रहा है, जिसके लिए भारत ने चीन के पास आपत्ति भी दर्ज कराई है। अब भारत सरकार चीन के आर्थिक आक्रमण को लेकर भी जागरूक है और उसे रोकने के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।